हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी एनसीईआरटी क्लास 1 यूनिट 1 चैप्टर नेम थ्री लिटिल पिग्स। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें तीन लिटिल पिग्स हैं, यानी कि छोटे छोटे से पिग्स हैं, उनकी स्टोरी है। आप पिक्चर में देख सकते हो ये तीन पिग्स हैं, एक रेड कॉस्ट्यूम में दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन में और एक येलो और ग्रीन मिक्स कॉस्ट्यूम में दिखाई दे रहा है। तो यही तीनों पिग्स हैं और उनकी स्टोरी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी में क्या बताया गया है। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, एक बार की बात है, वहां जो है तीन लिटिल पिग्स थे, ठीक है। सोनू मोनू एंड गोनू, तीनों पिग्स जो थे, पिग्स का मतलब सुअर, ठीक है। तो सुअर जो थे उनके नाम थे सोनू मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, सोनू जो था वो जिस घर में रहता था वो घर स्ट्रॉ का बना हुआ था। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस से बना हुआ घर। ये देखो पहला वाला जो घर है वो स्ट्रॉ का बना हुआ है ना। तो यहाँ सोनू रहता था, स्ट्रॉ वाले घर में सोनू रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, और मोनू जो था वो लकड़ी के बने घर पे रहता था। ये जो बीच वाला घर है ना वो स्टिक्स से बना हुआ है, बहुत सारी लकड़ियों को बांध करके बनाया गया ना, तो इसको कहेंगे स्टिक्स, यानी कि घर जो है स्टिक्स का बना हुआ है। और यहाँ कौन रहता था? मोनू। आगे गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, और गोनू जो था तीसरा पिग वो कहाँ रहता था? जो हाउस ब्रिक्स का बना हुआ था। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, देखो ईंट का बना हुआ घर है ना तीसरा वाला, तो यहाँ रहता था गोनू। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉ के बने हुए घर में रहता था कौन? सोनू। स्टिक्स के बने हुए घर पे रहता था मोनू, और ब्रिक्स के बने हुए घर में रहता था गोनू। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूस हाउस, एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, यानी बिग मीन्स बड़ा, बैड वुल्फ यानी कि गंदा वुल्फ, जो बुरा काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैड बोलते हैं ना। तो वो बहुत गंदा वुल्फ था, वुल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। तो एक दिन एक बहुत बड़े साइज का बैड यानी कि बहुत गंदा वुल्फ आया किसके घर पे? सोनू के घर पे। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. यहाँ पे huff and puff का मतलब होता है कि हवा को जो है मुंह में लेकर के blow करना, यानी कि जोर से फूंक मारना, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं huff और puff करके तुम्हारे घर को क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा। क्योंकि जो स्ट्रॉ के बने हुए हाउस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं, तो उसे आसानी से ये जो भेड़िया था फूंक मार के गिरा सकता था। इसीलिए वो कहता है कि मैं हफ एंड पफ करके तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन, और भेड़िया ने फिर क्या किया, उसने हवा भरी मुंह में और उसे ब्लो कर दिया, फूंक मारी जोर से, और उसके बाद उसका घर क्या हुआ? गिर गया। देखो पिक्चर में दिखाया गया है कि स्ट्रॉ का जो बना हुआ घर है उसको उसने ब्लो करके गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूस हाउस, अब सोनू का घर तो गिर गया, तो सोनू किसके हाउस में भागता हुआ गया? मोनू के हाउस में। द वुल्फ केम टू मोनूस हाउस, अब वुल्फ कहाँ चला गया? मोनूस के हाउस में, मतलब मोनू के घर पे चला गया। और आप लोग को पता है ना कि मोनू का घर किस चीज से बना हुआ था? मोनू का घर स्टिक से बना हुआ था। तो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, फिर मोनू को भी ये कहता है कि मैं हफ एंड पफ करूंगा यानी हवा भर करके फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को भी नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूस हाउस डाउन, और इसने क्या किया, फिर से वही काम किया, फिर से उसने हवा भरी मुंह में और जोर से ब्लो कर दिया और मोनू का हाउस भी क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो स्ट्रॉ और स्टिक के जो बने हुए हाउस थे वो कमजोर थे, इस वजह से वो जो बैड वुल्फ था उसने इन दोनों के हाउस को गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूस हाउस, अब ये दोनों कहाँ भागे? गोनू के हाउस में।
और गोनू का हाउस किससे बना हुआ था? ब्रिक्स से, यानी कि ईंटों से बना हुआ था। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, और वो जो भेड़िया था अब गोनू के हाउस में आ गया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और इसने फिर वहां भी यही बात कही कि मैं हफ एंड पफ करूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, ब्लो कर दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। फिर उसने हफ्ड किया, पफ्ड किया, हवा मतलब मुंह से ब्लो करा, फिर भी ये हाउस जो है वो ईंटों का बना हुआ था, इसलिए उसको गिरा नहीं पाया, यानी कि गोनू के हाउस को वो नहीं गिरा पाया, क्योंकि ईंटों के जो बने घर होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो उसके फूंक मारने से नहीं गिरा। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि गोनू का हाउस जो था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। तो वो जो उल्फ था यानी कि भेड़िया था वो चला गया, दूर चला गया, क्योंकि वो उसके हाउस को नहीं गिरा पाया। सोनू मोनू और गोनू जो है एक साथ खुशी से रेड कलर के ब्रिक हाउस यानी कि ईंटों के बने घर में रहने लग गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ईंटों के बने हुए घर जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, और स्ट्रॉ और स्टिक्स के बने हुए घर जो हैं बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं, वो आसानी से गिर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यू वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है? आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।